हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख के जान लिया होगा आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक कलिंग बेल का डिवाइस, जो कलिंग बेल हम घर पर यूज करते हैं। तो आज हम इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम दाम में आज हम इसे घर पर बनाने वाले हैं। जैसे कि वहाँ पर स्विच होता है पावर का स्विच, यहाँ पर पावर का स्विच है, और जैसे वहाँ पर से दो वायर निकलता है जिसके ज़रिए आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर भी दो वायर निकला हुआ है। तो चलिए आगे हम वीडियो में जानेंगे इसे हम कैसे बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर का यूज करके। यहाँ पर दोस्तों, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम लेंगे एक IC जो कि UM66 का, और यहाँ पर आपको तीन टर्मिनल मिलता है। एक होता है आपका ग्राउंड, एक होता है VCC और एक होता है आपका आउटपुट। तो इसका ग्राउंड को हमें कनेक्ट करना होगा इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन पर, जो कि हमारा BC547। उसके बाद हम लेंगे एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस, जिससे हमें कनेक्ट करना होगा BC547 के बेस से लेकर के IC के आउटपुट टर्मिनल पर। अगर आपके पास 1 kΩ नहीं है तो यहाँ पर आप 470 ओम का भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम दो वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि होता है हमारा पॉजिटिव से और एक होता है BC547 के कलेक्टर से, जो कि हमारा कनेक्ट होने वाला है स्पीकर पर। तो यहाँ पर हम छोटा सा स्पीकर भी यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लेंगे 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर। तो अगर यहाँ पर आप ज़्यादा वोल्टेज का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप 7805 का IC यूज कीजिए। अगर यहाँ पर आप 3 वोल्ट का यूज कर रहे हो तो ये IC यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इस IC का जो आउटपुट है, इसे हमें कनेक्ट करना होगा जो हमारा IC है UM66 का, इसका VCC पर। और इसका जो इनपुट है इस IC का जो 7805 का, तो यहाँ पर मैं एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारा आउटपुट वायर होने वाला है। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन चुका है, थोड़ा देख लीजिए। और इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं जो कि हमारा 9 वोल्ट पावर सप्लाई का पिन है। तो इसका नेगेटिव हम कनेक्ट कर लेते हैं IC के नेगेटिव, यानी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमिटर पिन पर। और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक PVC पाइप का एक टुकड़ा, जिसके ऊपर मैंने कुछ होल कर लिया है, और इसके ऊपर हमें चिपकाना होगा। ये 8 ओम का स्पीकर है, तो इसे चिपकाने के लिए थोड़ा सा ग्लू लेता हूँ। ग्लू की मदद से हम इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। और ये चिपकने के बाद सर्किट में से हमने जो दो वायर निकाला था, रेड और ब्लैक का, जो कि हमें कनेक्ट करना था स्पीकर पर, तो उससे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव पर रेड और नेगेटिव पर ब्लैक। और उसके बाद लेते हैं PVC से बना हुआ एक बॉक्स, और यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा एक पावर स्विच, जिसके ज़रिए हम इसके पावर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो जो बैटरी कनेक्ट का जो पॉजिटिव है, इसको मैं स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूँ, और दूसरे टर्मिनल पर हम इसका जो एक्टिवेशन का जो वायर है, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी दो वायर को मैं यहाँ पर से निकाल लेता हूँ, जो कि हमारा स्विच में लगने वाला है, जो कि हमारा डोरबेल स्विच है वहाँ पर लगने वाला है। और दोस्तों, अभी हमें इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। तो सर्किट को मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ ग्लू की मदद से। उसके बाद बैटरी लेंगे, तो यहाँ पर मैं 9 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 3 वोल्ट है तो यहाँ पर आप 3 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 7805 IC है, इसका आपको यूज करना नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर चिपका लेता हूँ फेविक्विक की मदद से। हाँ तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये रहा इसका पावर स्विच। तो सबसे पहले हमें पावर स्विच को ऑन करना होगा। तो अभी जो दो वायर है, इसे आपको लगाना होगा आपका कलिंग बेल के स्विच में, जो आपको स्विच लगता है कलिंग बेल में, तो उस स्विच का दो टर्मिनल होता है, उस दोनों टर्मिनल पर आपको इसे लगाना होगा। यानी कि जब भी आपका स्विच ऑन होगा, तब क्या होगा कि ये दो वायर आपस में जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा यहाँ पर कुछ साउंड यहाँ से निकलेगा। आप यहाँ पर सुन सकते हो, जैसे आप छोड़ दोगे वो साउंड फिर से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप घर पर ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और इसका जो डायग्राम है, मैंने वीडियो के अंदर दिया था, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तभी आपको डायग्राम मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना, अब फिर मिलते अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।